नमस्कार, स्टार स्टील में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं शिवरात्रि महापर्व के बारे में। हिंदुओं का पवित्र पर्व है शिवरात्रि। सर्वप्रथम हम आपको बताते चले कि शिवरात्रि और महाशिवरात्रि में क्या अंतर है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि शिवरात्रि शिवरात्रि है और महाशिवरात्रि भी वही है, एक ही चीज़ है। तो मैं आपको बताऊं कि शिवरात्रि अलग है और महाशिवरात्रि अलग है। यूँ तो प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि मनाई जाती है। आपने ध्यान दिया होगा कि हर महीने शिवरात्रि का पर्व आता है, और श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि होती है उस दिन भी जो है शिवरात्रि को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि जो सावन का महीना है उसका शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। भक्तगण पवित्र गोमुख में गोमुख से जो हरिद्वार जो गंगा बह रही है या फिर हरिद्वार आदि तीर्थों से जो है वो कांवड़ लेकर के आते हैं और भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं। ये जो चलता है ये चलता है सावन के महीने में। इन सभी शिवरात्रियों से हट करके महाशिवरात्रि का जो पर्व है वो आता है फाल्गुन के महीने में। जी हाँ, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को धूमधाम से मनाया जाने वाला जो त्यौहार है वो है महाशिवरात्रि। ऐसा माना जाता है कि भक्त श्रद्धा भाव से भगवान भोलेनाथ से इस दिन जो भी कामना करते हैं उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव का माँ पार्वती के साथ विवाह हुआ था और सृष्टि का जो शुभारंभ है वो इसी दिन जो है अग्निलीन से हुआ था। ऐसी ही अनेक कथाएं इस दिन के साथ में जो है वो जुड़ी गई हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इस दिन व्रत और रुद्राभिषेक करने का जो महत्व है वो क्या है। सबसे पहले हम जो है महत्व के बारे में बात करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कोई ना कोई परेशानी जरूर होती है। इन भौतिकवादी समस्याओं से बाहर आने के और जीवन का सुख और आनंद लेने के लिए भगवान शिव जी और रुद्राभिषेक की पूजा करने की जो है सलाह अक्सर ज्योतिषी द्वारा या ब्राह्मणों के द्वारा दी जाती है। भगवान शिव कलयुग के देवता भी हैं, कलो देवो महेश्वरा, इसलिए उनकी पूजा करने से इस भौतिकवादी दुनिया में जो है इस भौतिकवादी दुनिया से मुक्ति मिल जाती है। यदि स्वास्थ्य संबंधी परेशानी चल रही हो, वित्तीय परेशानी चल रही हो, पारिवारिक परेशानी चल रही हो, वैवाहिक जीवन में परेशानी आ रही हो, तो आप इस दिन यानी कि इस शिवरात्रि के दिन श्रद्धा भाव से व्रत का पालन करें। और इस दिन चार प्रहर की पूजा होती है, तो चारों प्रहरों की आप पूजा करें, वरना एक प्रहर की आप विधिवत पूजा करेंगे तो भी आपको अपनी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं कि जो पूजा की प्रक्रिया है वो क्या होनी चाहिए। इस दिन पंचांग वेदी, नवग्रह मंडप आदि बनाने और पंचांग देवताओं की समुचित पूजा होनी चाहिए, संकल्प के साथ पूजा होनी चाहिए और विधिवत पूजा होनी चाहिए। इष्ट देव को अपने आमंत्रित करना चाहिए और साथ ही षोडशोपचार विधि से इन आवाहित देवताओं का पूजन होना चाहिए। और उसके बाद मुहूर्त के हिसाब से, क्योंकि मैंने कहा कि चार मुहूर्त की पूजा होती है, चार प्रहर की पूजा होती है, तो उसके बाद प्रहर मुहूर्त जो होते हैं उनके हिसाब से भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए गाय के दूध और जल से उनके शिवलिंग जो हमारा जो भी आपके आसपास में मंदिर हो वहाँ पर जो है अभिषेक करना चाहिए। इस बार जो शिवरात्रि का पर्व होगा वो होगा 11 मार्च को। जी हाँ, 11 मार्च 2021 को महाशिवरात्रि पर्व बृहस्पतिवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन का जो मुहूर्त होगा, जो समय होगा पूजा का, वो मैं आपको बता देता हूँ। निशिता काल का जो पूजा समय होगा वो 12 मार्च प्रातः 00:06 यानी कि रात को 12:06 से लेकर के और 12:55 तक का जो समय होगा ये निश्चिता काल होगा, यानी कि कुल अवधि हो गई 49 मिनट। 12 मार्च को शिवरात्रि पारण समय जो है वो प्रातः 6:34 से शुरू होगा और दोपहर तक 3:02 तक रहेगा। अब रही बात प्रहर की, तो रात्रि का जो प्रथम प्रहर होगा वो 11 मार्च को 6:27 से रात्रि के 9:29 तक होगा। 11 मार्च की शाम, मैं आपको दोबारा बता दूं कि प्रथम प्रहर की जो पूजा होगी वो 11 मार्च को शाम को 6:27 से 9:29 तक होगी। जो दूसरा प्रहर होगा वो होगा रात्रि को 9:29 से मध्य रात्रि में 12:31 तक, यानी कि 12 बजे के बाद 12 मार्च लग जाएगी। और जो तीसरा प्रहर होगा वो होगा 12 मार्च की सुबह हो गई, 11 मार्च की मध्य रात्रि के बाद हो गया 12:31 से 3:32 तक। और जो चौथा प्रहर होगा वो होगा सुबह यानी प्रातः 12 तारीख की सुबह 3:32 से 6:34 तक। अब चतुर्दशी जो तिथि है वो मैं बता दूँ कब प्रारंभ होगी और उसका जो समापन होगा वो कब होगा।
चतुर्दशी जो तिथि है वो प्रारंभ होगी 11 मार्च को 2021 को दोपहर 2:39 पर। 11 मार्च के दिन में 2:39 पर शुरू होगी चतुर्दशी तिथि और समाप्त होगी अगले दिन यानी 12 मार्च को दोपहर 3:02 पर। शिवरात्रि पर्व के दिन एक बहुत बड़ा जो ग्रह मंडल में एक बदलाव होगा, बुध ग्रह जो है वो कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो इस ये दिन और भी खास बन जाता है अगर उसमें कोई ग्रह का बड़ा गोचर हो रहा हो तो, और पर्व भी हो तो निश्चित रूप से एक अपने आप में खास मुहूर्त भी हो जाता है और इसका जो प्रभाव है वो राशियों पर पड़ना लाजमी है। तो हम बात करेंगे आज कि इस गोचर के दिन यानी महाशिवरात्रि के दिन आप अपने दिन की शुरुआत जो है वो किस तरह से करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में। दिन की शुरुआत उत्तम होने वाली है आपकी, जो आपको नया अनुभव प्रदान करता हुआ दिख रहा है। स्वयं या घर की साज सज्जा की चीजों में आपका जो धन है वो खर्च होगा और विवाहित लोग अच्छा दाम्पत्य जीवन की जो है शुरुआत वो कर पाएंगे, यानी उनका दिन बहुत अच्छा बीतने वाला है। अपने जीवन साथी के साथ आप आनंद की अनुभूति कर पाएंगे। घर में नए मेहमान के आने की खुशखबरी भी आपको मिल सकती है और शाम को किसी धार्मिक स्थल की यात्रा का प्रोग्राम आपका बन सकता है, यानी किसी मंदिर आप जा सकते हैं। भगवान शिव को दूध से अभिषेक करना आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति दिखाता है। अगर आप भगवान शिव का इस दिन दूध से अभिषेक करेंगे मेष राशि वाले तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। बात करते हैं वृष राशि के बारे में। घर में शांति और आनंद का वातावरण रहेगा आपका। वाणी पर अंकुश रखने की सलाह मैं आपको दूंगा। राजनीतिक व्यक्तियों के मान सम्मान में वृद्धि होती दिख रही है। चल अचल संपत्ति का बंटवारा शांतिपूर्ण ढंग से होगा। भौतिक सुख साधनों में वृद्धि होगी। महिलाओं का मन धर्म कर्म में लगा रहेगा। मौसमी हिसाब के हिसाब से जो है वो सारी परेशानी आपके सामने आ सकती है, अतः आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर आप इस दिन यानी इस महाशिवरात्रि को भगवान भोलेनाथ को शहद से स्नान करवाते हैं और गंगा जल का अभिषेक करते हैं तो निश्चित रूप से ये आपके लिए बहुत लाभदायी रहने वाला है। इसी क्रम में हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि के बारे में। आज आप खुद में ताजगी और आत्मविश्वास महसूस करने वाले हैं। सुबह से ही व्यस्तता रहेगी परंतु भाग्य बल आपके साथ रहेगा। नए संबंधों में इजाफा होगा। प्रियजन के साथ बैठकर भविष्य की योजनाओं पर काम करने के लिए आज का जो दिन होगा यानी महाशिवरात्रि का जो पर्व होगा वो बहुत अच्छा होगा। आपको भविष्य की योजनाएं बनानी चाहिए। रिश्तेदारों से कोई आपसे आर्थिक मदद मांग सकता है। अपनी जरूरतों के हिसाब से आप आगे बढ़ें, उनकी मदद करें। आपके लिए भगवान शिव को दूध के साथ दही मिलाकर के अगर आप उनको स्नान करवाते हैं, अभिषेक करवाते हैं तो निश्चित रूप से जीवन में जो छोटी छोटी परेशानियां चल रही हैं वो ये सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। कठिनाइयों से बाहर निकलने के लिए नकारात्मक विचारों का त्याग आपको करना होगा और खुद पर यकीन करना सीखें आप। भागीदारी के जो कार्यों में मतभेद होने की संभावना मुझे दिख रही है, अतः संभल कर कदम बढ़ाएं आगे। आपको नए संबंध स्थापित करते समय सावधानी रखनी होगी। प्रियजन की सलाह आपके बड़े काम आने वाली है और अगर आज के दिन आपको यात्रा करनी है तो ध्यान पूर्वक आपको यात्रा करनी होगी, यातायात के नियमों का पालन करना होगा। और इस महाशिवरात्रि के दिन अगर आप भगवान शिव को पंचामृत और गंगा जल से अभिषेक करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन के कष्ट जो है वो दूर होने वाले हैं। अब बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। विरोधियों से दूरी बनाकर आपको रखना होगा। अलग अलग क्षेत्रों से लाभ प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। शारीरिक मानसिक रूप से प्रसन्नता का अनुभव आप करेंगे और आज मित्रों के साथ मिलकर के किसी रमणीय स्थान की जो है सैर का प्रोग्राम आपका अचानक से बन सकता है। दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहने वाला है और विपरीत लिंगी मित्रों के साथ आनंद मना सकेंगे आप। अविवाहित जो लोग हैं यानी कि जिनका भी विवाह नहीं हुआ है उनके लिए कहीं से कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है, उनकी बात पक्की हो सकती है, ऐसी भी संभावना दिख रही है। और अगर आप आज इस महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ को गंगा जल से अभिषेक करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में आनंद ही आनंद आएगा। बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। आपका वैवाहिक जीवन आनंदमय रहेगा। आप समाज में सम्मान प्राप्त करेंगे। साथ ही बुजुर्गों तथा उच्च पदाधिकारियों की तरफ से आपको लाभ मिलता हुआ दिख रहा है, यानी कोई अच्छी खबर मिल सकती है आपको। ऐसा भी संभव है कि उधार दिए हुए पैसे जो बहुत दिनों से आप मिल नहीं रहे थे वो वापस मिल जाए। परंतु जो चंद्रमा की स्थिति है आज के दिन वो किसी न किसी वजह से ये दिखा रही है कि आपको मानसिक तनाव झेलना पड़ सकता है। शांति और संयम से अपने कार्यों को अंजाम देते रहें। मित्रों और सगे संबंधियों के साथ बिताया गया समय आपके लिए लंबे समय तक आप इसको याद रखेंगे। और भगवान भोलेनाथ का आज अगर आप अभिषेक करते हैं और अभिषेक के बाद उनको अगर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से मुझे लगता है
कि आपकी मनोकामनाओं की जो है वो पूर्ति होने वाली है। बात कर लेते हैं तुला राशि के बारे में। आत्मविश्वास और निर्णय शक्ति में वृद्धि होगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने वाला है और निर्णय शक्ति में वृद्धि होने के कारण आज के दिन आप हर एक कार्य को, जिस भी काम को आप करेंगे उसे आप बहुत तेजी से कर लेंगे और निर्णय लेने की जो शक्ति होगी आप वो आपकी बढ़ जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एक मामले आपके सामने ऐसे आने वाले हैं जिनको लेकर आप भ्रमित हो सकते हैं। घर की ज़रूरतों को पूरा करने में आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी और आप खुशी महसूस करेंगे। समाज में आपकी ख्याति बढ़ेगी और लोग आपसे सलाह लेना पसंद करेंगे। वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। आप भगवान शिव को जो है शहद से अगर स्नान करवाते हैं और उसके बाद उनको बेलपत्र अगर आप चढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। आज के दिन अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की मैं आपको सलाह देता हूँ, अन्यथा कोई बना बनाया काम आपका बिगड़ सकता है। पारिवारिक सदस्यों के साथ मतभेद न होने दें। अचानक कोई बड़ा खर्च भी आपके सामने आ सकता है, ऐसी संभावनाएं मुझे दिख रही हैं। किसी भी स्थिति में दूसरों के मामले में रुचि ना दिखाएं, ये आपके लिए उल्टा पड़ सकता है। प्रियजन किसी बात को लेकर नाराजगी जता सकते हैं, ध्यान रखें। घर की सुख शांति को बनाए रखने के लिए आपको चाहिए कि भगवान भोलेनाथ का आप पंचामृत से स्नान करवाएं और अगर हो तो मीठे से यानी शक्कर से आप उनका स्नान करवाएंगे तो आपके जीवन में मिठास आएगी, आपके जीवन के जो कष्ट हैं वो दूर हो जाएंगे। बात करेंगे धनुराशि के बारे में। आज आप दैनिक कार्य के अलावा घरेलू कार्यों में ज़्यादा व्यस्तता आपकी बनी रह सकती है। दिन उत्तम है, यदि आप चाहें तो नई योजनाओं पर काम कर सकते हैं। भाइयों और पड़ोसियों का सहयोग आपको मिलेगा और किसी धार्मिक यात्रा का भी प्रसंग बन सकता है। यदि आप प्रियजन को कहीं घुमाने ले जाना चाहते हैं तो आप उनसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको वार्तालाप करते समय ध्यान रखना होगा कि आप उनकी भावना को ठेस न पहुंचाएं। इसके अलावा कोई मित्र आपसे सलाह मांग सकता है। अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान शिव को दूध दही और घी से स्नान करवाएं, गंगा जल से अभिषेक करवाएं। निश्चित रूप से आपकी जो परेशानियाँ हैं या छोटी छोटी दिक्कतें जो आप महसूस कर रहे थे कुछ टाइम से वो दूर होने वाली हैं। अब बात कर लेते हैं मकर राशि के बारे में। आपके मन में निरंतर चल रहे नकारात्मक विचार खत्म हो जाएंगे और आपके अंदर ऊर्जा आएगी। सकारात्मक माहौल आपके आसपास बनेगा जिससे लोगों के साथ रिश्तों में सुधार आता दिख रहा है। पारिवारिक वातावरण को मनोनुकूल बनाने पर आपका जोर रहेगा और मुझे लगता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके आसपास का माहौल ठीक आपके इच्छा के अनुकूल हो जाए तो ये बहुत कुछ आप पर निर्भर करेगा, अतः आप ऐसा ही वातावरण अपने आसपास बनाने का प्रयास करें। खर्च अधिक होने के योग दिख रहे हैं मेरे को और अनैतिक प्रवृत्तियों से दूर रहने की मैं आपको खास सलाह देता हूँ। संभव हो तो अधिक से अधिक समय अपने प्रियजन के साथ, अपने परिजनों के साथ, अपने बच्चों के साथ गुजारें। भगवान शिव का दूध से अभिषेक करने से आपके जीवन में सुख और समृद्धि आएगी और कोशिश करें कि आज के दिन भगवान भोलेनाथ को मीठे का भोग लगाएं, खीर हो या अन्य कोई भी चीज़ हो उसका भोग लगाएं। बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में। व्यर्थ की भागदौड़ आपकी रह सकती है आज के दिन, परंतु अन्य ग्रहों की विशेष कृपा दृष्टि के आप पात्र बनने वाले हैं। कोई अच्छी सी योजना बनाएं और उसमें परिजनों को भी शामिल करें, उनकी सलाह लें। बच्चों की जिद के चलते यात्रा का जो प्रोग्राम है वो अचानक आपको बनाना पड़ सकता है और पिता की तरफ से लाभदायक समाचार आपको मिलने वाला है। रिश्तेदारों के बीच आप चर्चा में रह सकते हैं। अविवाहितों के लिए भी किसी परिचित के माध्यम से एक अच्छा रिश्ता आने की संभावना मुझे दिख रही है, योग बन रहा है। आपको चाहिए कि दूध दही घी और गंगा जल से अलग अलग आप भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें, उनका स्नान करवाएं और उन्हें कुछ भोग लगाएं, मीठा घर का बनाया हुआ कोई भोग आप उनको लगाएं तो निश्चित रूप से आपके लिए लाभदायी हो सकता है। अब हम बात करते हैं आखिरी राशि यानी कि मीन राशि के बारे में। आज महाशिवरात्रि पर्व है, भगवान शिव की पूजा अर्चना से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज प्रातःकाल से ही आप जो है खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे, साथ ही आत्मविश्वास के चलते भविष्य की योजनाओं पर आप काम कर पाएंगे। संतान पक्ष से भी आपको लाभदायक समाचार मिलेगा। अपनी दिनचर्या के बीच प्रियजन को भी आपको समय देना होगा, उन्हें कहीं घुमाने ले जाएं और उनकी बात को आप काटें नहीं। बिना मांगे किसी व्यक्ति को या किसी अन्य लोगों को आप सलाह देने से आप बचें, अन्यथा आपके सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। आपको चाहिए कि भगवान शिव की आज आप पूजा करें और कोशिश करें कि चारों ग्रहों की पूजा हो जाए तो अच्छी बात है, वरना एक ग्रह की आप विधिवत ढंग से पूजा कराएंगे
तो आपके जीवन में जितनी भी नकारात्मक चीज़ें हैं वो आपके जीवन से दूर हो जाएंगी और आपके जीवन में सकारात्मक जो ऊर्जा है उसका प्रभाव होगा। दर्शकों, हमने बात करी महाशिवरात्रि पर्व के बारे में कि महाशिवरात्रि पर्व के दिन आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करेंगे और आप भगवान शिव को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगती है, अगर आप कोई भी सुझाव हमें देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना ना भूलें, इससे आने वाली वीडियोस की जो नई जानकारी है वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगी। तो बने रहें हमारे साथ और देखते रहें starstem.com। नमस्कार।